अमेरिका की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत पर दुनिया भर के लोग बुलिश नजर आ रहे हैं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद गुड न्यूज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पहली गुड न्यूज, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टेस्ला मोटर्स जल्द ही भारत में एंट्री करने वाली है। इसके बाद नंबर आया यूएस की चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन का। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन को देश में प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। माइक्रोन का ये प्लांट सेमीकंडक्टर बनाने का नहीं होगा, बल्कि टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए होगा। इसके लिए कंपनी भारत में $2.7 बिलियन यानी 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस सिलसिले में भारत सरकार और माइक्रोन ने एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं। बता दें, समझौते के लिए अमेरिकी चिप कंपनी को $1.34 बिलियन के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI का भी लाभ मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन को देश में प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार से 11,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। अब कहां होगा माइक्रोन का प्लांट, ये जान लीजिए। माइक्रोन का ये प्रपोज प्लांट प्रधानमंत्री मोदी के होम टाउन गुजरात में लगेगा। इस यूनिट को गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाएगा। यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स को टेस्ट और पैक किया जाएगा। अब इस खबर के पीछे चीन एंगल को समझिए। असल में चीन और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से अमेरिकी कंपनियों ने भारत में भरोसा दिखाना शुरू किया है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया सेमीकंडक्टर के मामले में चीन के भरोसे पर ना रहे। ऐसे में भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। इसी वजह से व्हाइट हाउस ने अमेरिकी चिप कंपनियों पर भारत में निवेश करने के लिए दबाव बनाया। और तो और, अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियां चीन में व्यापार करने के रिस्क को कम करें और दूसरे बेहतर ऑप्शंस को तलाश करें। अब जाते जाते दूसरी गुड न्यूज के बारे में भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। दोनों देशों के बीच कारोबारी और निवेश संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान कई शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के कार्यकारियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इस सिलसिले में पीएम मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की जल्द एंट्री की उम्मीद जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।